Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. And today, I am going to discuss with you Bandura's Social Learning Theory. It is a very important theory and many questions have been asked from this very topic. So the lecture will be useful for all the students. And the lecture will be in bilingual mode as useful. So, baat hone ja rahi hai Bandura ka Samajik Adhigam Siddhant. लर्निंग थ्योरीज ऑलमोस्ट मैं सब कवर कर चुकी हूँ और एक्चुअली सोशल लर्निंग थ्योरी पर भी एक वीडियो है पुराना, बट उसमें कुछ मुझे कमी लग रही थी इसलिए, और दूसरी बात वो बाइलिंगुअल नहीं है, वो ऑल टुगेदर इंग्लिश में है, इसलिए मैं ये दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए. तो बहुत सवाल पूछे जाते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बंडूरा आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, आपके जनरल एग्जामिनेशंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको समझ लीजिए तो आप कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे. हाँ, तो कहाँ से शुरू करें. कह रहा है कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वी लर्न फ्रॉम अवर इंटरैक्शंस विद अदर्स इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट. देखिए, हम लोगों को इस क्रम में भी देखना चाहिए. देखिए, ये नीचे आ जाएगा कि ये बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारा जो साइकोलॉजिकल बेस है वो बिहेवियरिज्म से कॉग्निटिविज्म की ओर शिफ्ट हो गया, धीरे 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 बिहेवियरिज्म से कॉग्निटिविज्म पहुंच गया. तो ये अचानक नहीं हो गया कि आज हम साइकोलॉजी में व्यवहारवाद की बात हो रही थी और कल संज्ञानवाद की बात होने लगी. धीरे धीरे हुआ है, बल्कि कई थ्योरीज ऐसी हैं जिन्होंने थोड़ा सा इम्पैक्ट बिहेवियरिज्म से भी लिया है और कॉग्निटिविज्म से भी लिया है. तो ये कुछ थ्योरीज जो हैं वो गैप फुलफिल करने के काम आती हैं व्यवहारवाद और संज्ञानवाद में से. तो उसी में से बंडूरा भी है. कहने का मतलब कि इन्होंने थोड़ा सा तो व्यवहारवाद को लिया है, लेकिन इन्होंने संज्ञान को भी लिया है कि कॉग्निशन के बगैर लर्निंग नहीं हो सकती. ओके, तो मेनली जो इनका सिद्धांत है वो इस आइडिया पर बेस्ड है कि हम वी लर्न फ्रॉम अवर इंटरेक्शंस विद अदर्स इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट. वो कह रहे हैं कि हम कैसे सीखते हैं, मतलब इंडिविजुअल कैसे सीखता है, हम दूसरों से जो सामाजिक जो संदर्भ में हम दूसरे लोगों से जो भी हमारे इर्द गिर्द है उससे जो इंटरेक्शन करते रहते हैं उसी से सीखते हैं. तो उन्होंने कहा आफ्टर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स पीपल एसिमिलेट एंड इमिटेट दैट बिहेवियर. वो कह रहे हैं कि जो हम लोग दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं उसको हम अपने पास एसिमिलेट करके रखते हैं और उसी का अनुकरण करते हैं, स्पेशली इफ देयर ऑब्जर्वेशनल एक्सपीरियंसेस आर पॉजिटिव वंस. और खास तौर से कब, जब जिन व्यवहारों का हमने प्रेक्षण किया है वो हमको सुख देने वाले हैं, वो पॉजिटिव हैं और इंक्लूड रिवॉर्ड्स रिलेटेड टू दैट टू दी ऑब्जर्व बिहेवियर, या उन प्रेक्षणीय व्यवहारों से कोई इनाम जुड़ा हुआ है. यानी कहने का क्या मतलब, ये बिहेवियरिस्ट हो गए कैसे, क्योंकि यही बात तो स्किनर भी कह रहे हैं. स्किनर भी हमसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू बंडूरा इमिटेशन इन्वॉल्व्स द एक्चुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑब्जर्व्ड मोटर एक्टिविटीज. बंडूरा कहते हैं ये जो अनुकरण है इसके अंतर्गत क्या आता है कि हमने जो देखा है उसको हम एक्चुअली रिप्रोड्यूस कर दें, बिल्कुल वैसा ही कर दें, वही इमिटेशन है. तो दिस थ्योरी हैज ऑफन बीन कॉल्ड अ ब्रिज बिटवीन बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरीज एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज. क्योंकि इसलिए ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, वो व्यवहारवाद की जो अधिगम के सिद्धांत हैं और संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांतों के बीच में पुल का काम करती है. बिकॉज इट इनकम्पासेस अटेंशन मेमोरी एंड मोटिवेशन. क्यों, क्योंकि ये बात तो बिहेवियरिस्ट वाली ही कर रही है कि भाई वो ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और वो एक्सपीरियंस में अच्छा मिला हो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला हो, रिवॉर्ड मिला हो, उसको हम इमिटेट करते हैं. लेकिन किसकी बात कर रही है, अटेंशन मेमोरी और मोटिवेशन, यानी कि हम ध्यान देते हैं, हमको याद रहता है, हमको हम अभिप्रेरित होते हैं उन कामों को करने के लिए. तो ये अटेंशन मेमोरी और मोटिवेशन ये बिहेवियरिज्म की डिक्शनरी में नहीं है, ये सब कॉग्निशन के कॉन्सेप्ट्स हैं. हाउएवर ऑन दिस रिगार्ड बंडूरा बिलीव्स दैट डायरेक्ट री इन्फोर्समेंट कुड नॉट अकाउंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग. फिर ये कहाँ पे बिहेवियरिज्म से अलग हो जाते हैं. स्किनर ने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ री इन्फोर्समेंट से ही हम सीखते हैं, जबकि बंडूरा ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ री इन्फोर्समेंट से ही सभी प्रकार का अधिगम नहीं होता है. फॉर दैट रीजन इन दिस थ्योरी ही एडेड ए सोशल एलिमेंट. इसीलिए अपनी थ्योरी में, अपने सिद्धांत में इन्होंने एक सामाजिक तत्व को इंक्लूड किया, आर्ग्यूइंग दैट पीपल कैन लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन एंड बिहेवियर्स बाय वॉचिंग अदर पीपल. और इन्होंने तर्क दिया कि जो लोग हैं वो नया व्यवहार और नई सूचनाएं दूसरे लोगों को देखकर सीखते हैं. फिर बंडूरा हैज डन अ ग्रेट डील ऑफ वर्क ऑन सोशल लर्निंग थ्रू आउट हिज कैरियर एंड इज फेमस फॉर इट्स सोशल लर्निंग थ्योरी. बंडूरा ने बहुत बहुत सोशल लर्निंग पे काम किया अपने पूरे करियर में और अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए वो बहुत फेमस भी हैं, विच ही हैज रिसेंटली नेम्ड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी. और इसी सोशल लर्निंग थ्योरी का नाम इन्होंने बाद में सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कर दिया, या कहीं कहीं ये SCLT भी कहलाता है, मतलब सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी. ठीक है. अच्छा, बंडूरा साहब की मतलब बहुत जीवन काल लंबा था, अभी 2021 में ही उनकी डेथ हुई है. तो तब तक
वो अपना सोशल लर्निंग सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी पे काम करते रहे. बंडूरा इज सीन बाय मैनी एज ए कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट बिकॉज ऑफ हिज फोकस ऑन मोटिवेशनल फैक्टर्स एंड सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू अ पर्सन्स बिहेवियर रादर देन जस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो बंडूरा को बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट मानते हैं क्योंकि इनकी जो पूरी थ्योरी है वो मोटिवेशनल फैक्टर्स पे बेस्ड है और सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे बेस्ड नहीं है. This focus on cognition is what differentiates social cognitive theory from Skinner's purely behavioristic viewpoint. और ये जो इन्होंने cognition पे focus किया है, यही इनकी theory को Skinner के पूरी तरीके से जो व्यवहारवाद का दृष्टिकोण है उससे अलग करती है. तो बंडूरा की social learning theory को समझने के लिए हमें तीन उनके concept समझने होंगे. बंडूरास theory of social learning can be explained under the following three headings: reciprocal determinism, self system और principles of observational learning. यानी कि रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म को कहते हैं पारस्परिक नियतिवाद. अभी बताते हैं क्या है सेल्फ सिस्टम. इन्होंने कहा जो सेल्फ है वही भाई हमको क्या करना है, इमिटेट करना है. तो हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, अटेंशन पे करेंगे तभी तो, यानी कि हमको अपना सिस्टम भी समझना होगा. और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी कि प्रेक्षणीय अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं. तो ये तीन हम समझ जाएंगे तो हम सोशल लर्निंग थ्योरी समझ जाएंगे. तो सबसे पहले देखते हैं रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म क्या है. इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर से ही नहीं डिटरमाइन होता है उसका बिहेवियर. देखिए, ह्यूमन बिहेवियर इज ऑफन बीन एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वन साइडेड डिटरमिनिज्म. इसके पहले मतलब व्यवहारवाद तक मनुष्य के व्यवहार को केवल एक दृष्टिकोण से ही सुनिश्चित किया जाता रहा. इन सच मोड्स ऑफ यूनिडायरेक्शनल कॉजेशन बिहेवियर इज डिपिक्टेड एज बीइंग शेप्ड एंड कंट्रोल्ड आइदर बाय एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस और बाय इंटरनल डिस्पोजिशंस. तो इनके पहले जो व्यवहारवादी थे उन्होंने कहा यूनिडायरेक्शनल कॉजेशन बताते थे हमारे व्यवहार का, एक ही दिशा में कारण बताते थे कि हमारा व्यवहार या तो वातावरणीय या कोई आंतरिक डिस्पोजिशन के आधार पर शेप होता है और कंट्रोल होता है. सोशल कॉग्निटिव थ्योरी फेवर्स अ मॉडल ऑफ कॉजेशन इन्वॉल्विंग ट्राइएडिक रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म. लेकिन सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ने हमको बताया कि नहीं, हमारा व्यवहार तीन तरीके से डिटरमाइन होता है. इन दिस मॉडल ऑफ रेसिप्रोकल कॉजेशन, रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे पे, हम आप पे डिपेंडेंट है, आप हम पे डिपेंडेंट, ये रेसिप्रोकल हो गया. कॉजेशन माने कारण. तो ये कह रहे हैं कि बिहेवियर कॉग्निशन एंड अदर पर्सनल फैक्टर्स एंड अदर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑल ऑपरेट एज इंटरैक्टिंग डिटरमिनेंट्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर बाई डायरेक्शनली. ये कह रहे हैं कि पारस्परिक नियतिवाद में हमारा व्यवहार, हमारा संज्ञान, हमारे पर्सनल फैक्टर्स भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ मिलकर हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं. रेसिप्रोकल कॉजेशन डज नॉट मीन दैट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ. और पारस्परिक नियतिवाद ये नहीं कहता है कि जो व्यवहार है, जो हमारा कॉग्निशन है, जो इन्वायरमेंट है, सब बराबर हम पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. It takes time for a causal factor to exert its influence and activate reciprocal influences. ये इन्होंने बताया. देखिए, person है, P for person, B for behavior, E for environment. यानी कह रहे हैं person को देखिए behavior और environment और सब एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा है. मतलब person behavior को कर रहा है, behavior फिर person को कर रहा है, behavior से environment control हो रहा है, environment भी behavior पे इफेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट भी पर्सन को कर रहा है, पर्सन भी इन्वायरमेंट को कर रहा है, यानी कि सब रेसिप्रोकल, इसीलिए नाम दिया गया. और इन्होंने बिहेवियर के साथ इन्वायरमेंट को भी लिया. जो बिहेवियरिस्ट थे वो सिर्फ बिहेवियर की बात करते थे और कोई बात नहीं करते थे. तो बिहेवियर में मोटर रिस्पॉन्सेज, वर्बल, मैंने हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट में हमारे आस पास कौन है, हमारे फैमिली फ्रेंड में कौन है, और पर्सन में उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या हैं, संज्ञानात्मक क्षमताएं क्या हैं, उसकी फिजिकल और बिलीफ कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिलीफ क्या है, सब आ जाएगा. तो ये हो गया रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म. ये खास है, ये टर्म ही बंडूरा ने दिया है. तो एकदम आसान सवाल पूछना हो तो यही पूछ लेंगे, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म किसका कंसेप्ट है या क्या है इसमें, है? फिर सेल्फ सिस्टम. ये कह रहे हैं कि इट इज एविडेंट फ्रॉम द रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म दैट ऑल द थ्री सेगमेंट्स आर म्यूचुअली इंटरेक्टिव. ये हमको पता चल गया कि पर्सन, बिहेवियर और एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे पर पारस्परिक अंतः संबंध उनमें चलता है. अकॉर्डिंग टू बंडूरा द थ्री कॉम्पोनेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू आउट द एक्टिवेशन ऑफ सेल्फ. और कह रहे हैं सेल्फ को कैसे एक्टिवेट किया जाएगा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन से. हम जजमेंट लेंगे, हम खुद रेस्पॉन्स लेंगे, और सेल्फ इफिकेसी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बंडूरा का. तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन, वी लुक एट अवर सेल्फ अवर बिहेवियर एंड कीप टैप्स ऑन इट. हम अपना व्यवहार, अपने आप को ध्यान देते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं. फिर जजमेंट क्या है, वी कंपेयर वॉट वी सी विद अ स्टैंडर्ड. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन कंपेयर अवर परफॉर्मेंस विद ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड सच एज रूल्स ऑफ एटिकेट, और वी कैन क्रिएट आर्बिट्री वंस लाइक आई विल रीड अ बुक अ वीक, और वी कैन कम्पीट विद अदर्स और विद अवर सेल्व. जजमेंट यानी कि जो भी हम करते हैं हम उसको तुलना करते हैं कि ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है, या हम कुछ अपना खुद से बना सकते हैं कि ऐसा हम करते हैं. फिर सेल्फ रेस्पॉन्स,
इफ यू डिड वेल इन कंपेरिजन विद योर स्टैंडर्ड यू गिव योर सेल्फ रिवॉर्डिंग सेल्फ रिस्पॉन्स. अगर हम देखते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से अच्छा कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप से हम अच्छे हैं, तो हम खुद अपने आप को कुछ सेल्फ रिस्पॉन्स, कुछ रिवॉर्ड देते रहते हैं. लेकिन अगर हम बुरा कर रहे हैं, इफ यू डिड पुअरली यू गिव योर सेल्फ पनिशिंग सेल्फ रिस्पॉन्सेज. दीज सेल्फ रिस्पॉन्सेज कैन रेंज फ्रॉम द ऑब्वियस टू द मोर कोवर्ट. यानी कि ये जो सेल्फ मतलब हम खुद अपने आप को प्रतिक्रिया देते हैं, अरे वाह हमने आज बहुत अच्छा काम किया, या हम तो अपने साथ के लोगों से बहुत आगे चल रहे हैं, हमने तो बहुत पढ़ लिया, हमारा तो बहुत तैयार है, या हम उनसे पीछे चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अपने आप को सेल्फ रिस्पॉन्स देते रहते हैं. ठीक है. और ये सेल्फ एफिकेसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये कह रहे हैं इफ ओवर द ईयर्स यू फाइंड योर सेल्फ मीटिंग योर स्टैंडर्ड्स एंड लाइफ लोडेड विद सेल्फ प्रेज एंड सेल्फ रिवॉर्ड, यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी. ये कह रहे हैं कि अगर थ्रू आउट द ईयर्स, बहुत सालों से मतलब हम देखते आ रहे हैं कि हम दूसरों से तुलना में अच्छा करते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड्स को पा लेते हैं, हम अपने आप की प्रशंसा मतलब बढ़िया किया हमने, इस तरह से हम करते हैं, तो हमारे अंदर एक सेल्फ एफिकेसी की भावना आ जाती है. मतलब हम स्वयं को एफिशियंट मानते हैं. एफिशियंट से ही तो एफिकेसी बना है ना, इफिकेसी है ना. इफ ऑन द अदर हैंड यू फाइंड योर सेल्फ फॉर अवर फेलिंग टू मीट योर स्टैंडर्ड्स एंड पनिशिंग योर सेल्फ, यू विल हैव ए पुअर सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी. तो कह रहे हैं और अगर हम पाते हैं कि हम बार बार स्टैंडर्ड्स को छू नहीं पा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हमसे ठीक नहीं हो रहा है, तो हमारे पास पुअर सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी होता है. और अगर हम अच्छा करते हैं तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी होता है. तो सेल्फ एफिकेसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बंडूराज थ्योरी ऑफ सेल्फ सिस्टम. तो बंडूरा के सिद्धांत के सेल्फ सिस्टम में सेल्फ एफिकेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अकॉर्डिंग टू बंडूरा के हिसाब से सेल्फ एफिकेसी क्या है? इट इज द बिलीफ इन वन्स कैपेबिलिटीज टू ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट द कोर्सेज ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू मैनेज प्रोस्पेक्टिव सिचुएशंस. यानी कि ये वो विश्वास है अपनी योग्यताओं में कि हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे, हम एग्जीक्यूट कर लेंगे वो सारा काम जो हमसे रिक्वायर्ड है, ताकि जो हमारे सामने जो भी सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से हम अपने आप को ऑर्गेनाइज और एग्जीक्यूट कर लेंगे. इन क्षमताओं में विश्वास ही सेल्फ एफिकेसी है. बंडूरा डिस्क्राइब दीज बिलीव्स एज डिटरमिनेंट्स ऑफ हाउ पीपल थिंक, बिहेव एंड फील. और बंडूरा ने कहा कि यही जो बिलीफ है वो ये सुनिश्चित करता है कि हम क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, क्या महसूस करते हैं. सिंस बंडूरा पब्लिश हिज सेमिनल पेपर सेल्फ एफिकेसी टुवर्ड ए यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ बिहेवियरल चेंज, द सब्जेक्ट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड टॉपिक्स इन साइकोलॉजी. और जब से बंडूरा ने अपना पेपर पब्लिश किया सेल्फ एफिकेसी पे, तब से ये मनोविज्ञान का एक बहुत हॉट टॉपिक बन गया है. बहुत इस पर काम होता है, बहुत रिसर्चेस, आप साइकोलॉजी की रिसर्चेस उठा के देख लीजिए, सेल्फ एफिकेसी टू स्टडी टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी, इस तरीके के उसमें टॉपिक्स होते हैं. फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षणीय अधिगम है ना. वो कह रहे हैं ना कि हम अपने आसपास के लोगों को के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसी तरह से करते हैं, और खासतौर से अगर उसका रिवॉर्ड मिलना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है उसके बाद, तो जरूर करते हैं. इन 1961 बंडूरा कंडक्टेड इस फेमस एक्सपेरिमेंट नोन एज द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट टू स्टडी पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एटलीस्ट इन पार्ट बाई सोशल लर्निंग थियरी, एंड दैट सिमिलर बिहेवियर्स वर लर्न बाई इंडिविजुअल्स शेपिंग देयर ओन बिहेवियर आफ्टर द एक्शंस ऑफ मॉडल्स. वो कह रहे हैं बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था इनका, और इस पर इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल कैसे अपना व्यवहार दूसरे के एक्शन को देख के बनाते हैं. बंडूराज रिजल्ट्स फ्रॉम द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट चेंज द कोर्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एंड वर वाइडली क्रेडिटेड फॉर हेल्पिंग शिफ्ट द फोकस इन एकेडमिक साइकोलॉजी फ्रॉम प्योर बिहेवियरिज्म टू कॉग्निटिविज्म. और इनके जो एक्सपेरिमेंट को बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है, और माना जाता है कि इसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ने जो संज्ञानवाद, जो मनोविज्ञान का इम्फेसिस था, वो व्यवहारवाद से संज्ञानवाद की तरफ हो गया. द एक्सपेरिमेंट इज अमंग द मोस्ट लॉडेड एंड सेलिब्रेटेड ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत ये फेमस एक्सपेरिमेंट है. द स्टडी वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट डिपार्टेड फ्रॉम बिहेवियरिज्म्स इंसिस्टेंस दैट ऑल बिहेवियर इज डायरेक्टेड बाय रीइंफोर्समेंट्स और रिवॉर्ड्स. द चिल्ड्रन रिसीव्ड नो एनकरेजमेंट और इंसेंटिव्स टू बीट अप द डॉल, दे वर सिंपली इमिटेटिंग द बिहेवियर दे हैड ऑब्जर्व्ड. वो कह रहे हैं कि इस प्रेक्षण, इस प्रयोग के रिजल्ट ने हमको ये बताया कि जरूरी नहीं है कि हर व्यवहार के बाद रीइंफोर्समेंट मिले तभी बच्चा उसको करेगा, बल्कि बच्चा उसको देखकर भी करता है जबकि उसको कोई इंसेंटिव और रिवॉर्ड उसका नहीं मिल रहा है. बंडूरा टर्म दिस फिनोमेना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड कैरेक्टराइज द एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एज. बंडूरा ने इस घटना को प्रेक्षणीय अधिगम का नाम दिया, और उन्होंने इसके चार चरण बताए हैं. और ये पूछा जाता है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. तो ये स्टेप्स हैं अटेंशन, पहले हम किसी घटना पे ध्यान देते हैं, फिर रिटेंशन, फिर उसको धारण करते हैं, फिर रिप्रोडक्शन, फिर हम उसको वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, एंड मोटिवेशन, और हम मोटिवेट होते हैं करने के लिए उसको अगर उसका रिवॉर्ड, उसके पे कोई अच्छा हमको ऑब्जर्वेबल, कोई पॉजिटिव हमको एक्सपीरियंस मिल रहा है. तो ये है इनका एक्सपेरिमेंट. देखिए शुरुआत में देखिए, एक एडल्ट है जो एक बोबो डॉल को मार रहा है, फिर उसके बाद बच्चा भी उसको मार रहा है.
कोई उसको रिवॉर्ड नहीं मिला है, कोई उसको इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, लेकिन चूंकि एडल्ट ऐसा कर रहा है, उसने देखा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है. ठीक है, तो ऑन दिस प्रोसेस ही आइडेंटिफाइड थ्री बेसिक मॉडल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. उन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के तीन मॉडल दिए. कौन कौन सा? अलाइव मॉडल, अ वर्बल इंस्ट्रक्शनल मॉडल और सिम्बॉलिक मॉडल. लाइव मॉडल क्या है? विच इन्वॉल्व्स एन एक्चुअल इंडिविजुअल डेमॉन्स्ट्रेटिंग और एक्टिंग ऑफ द बिहेवियर. मतलब एक्चुअली लाइव है ना, कि एक इंडिविजुअल जो है वो डेमॉन्स्ट्रेट या एक्ट करता है बिहेवियर. वर्बल इंस्ट्रक्शनल मॉडल विच इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शंस एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए बिहेवियर. यानी कि हमने सिर्फ सुना है कि ऐसा करता है वैसा करता है तो हम वैसा ही करने लगते हैं, ये वर्बल इंस्ट्रक्शनल है. लाइव में क्या है? हमने एक्चुअली करते देखा है. और सिंबॉलिक में क्या है? विच इन्वॉल्व्स रियल और फिक्शनल कैरेक्टर्स डिस्प्लेइंग बिहेवियर्स इन बुक्स, फिल्म्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स और ऑनलाइन मीडिया. यानी यहाँ हमने सुना भी नहीं है, बस हम सिंबॉलिक है, मीडिया में देखा है, फिल्मों में देखा है ऐसा करते हुए, तो हम ऐसा उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं. चलिए दोबारा. फिर मॉडलिंग प्रोसेस में क्या है कि कौन से चरणों से गुजरता है ये? तो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन. अटेंशन, द पर्सन मस्ट फर्स्ट पे अटेंशन टू द मॉडल. सबसे पहले हमको मॉडल पे अटेंशन पे करना है, तभी हम उसको कर पाएंगे. रिटेंशन, कि हमको उसको ध्यान देना है, रिमेम्बर, याद रखना है. रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू रिप्लीकेट द बिहेवियर दैट द मॉडल हैज जस्ट डेमॉन्स्ट्रेटेड. जैसा कि उसने किया है बिल्कुल हम वैसा ही कर देते हैं उसको. और मोटिवेशन, द फाइनल नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर मॉडलिंग टू अकर इज मोटिवेशन. लर्नर्स मस्ट वॉन्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट वॉट दे हैव लर्न. रिमेंबर दैट सिंस दीज फोर कंडीशंस वेरी अमंग इंडिविजुअल. मतलब कि हमको उसको करने का कोई मोटिवेशन होगा तो हम करेंगे. तो ये चार चरणों से होकर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग गुजरती है. लेकिन जरूरी नहीं है कि चारों लोग, मतलब हर आदमी उसी हिसाब से अटेंशन पे करे, उसी हिसाब से वो रिटेन करे, वैसे ही रिप्रोड्यूस करे. ये वेरी कर सकता है, लेकिन चरण यही चार होंगे. ठीक. फिर वाइकेरियस लर्निंग. कहीं कहीं आपसे वाइकेरियस लर्निंग भी पूछ लिया जाएगा. तो वाइकेरियस लर्निंग एक तरीके से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का ही एक प्रकार है. Closely related to observational learning is vicarious learning, another distinctive feature of Bandura's social cognitive theory. यानी कि बंदूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत का ये बहुत important और distinctive के feature है. मतलब बाकी लोगों से अलग करता है इसको. Vicarious learning or the process of learning from other people's behavior is a central idea of social cognitive theory. Vicarious learning यानी कि दूसरे से सीखना, दूसरे का देखकर सीखना, ये वही है. observational learning से बहुत similar है, उसी का type कह सकते हैं. This idea is that individuals can witness, observe behaviors of others and then reproduce the same actions. ये idea कहता है कि individual जो हैं वो दूसरे को observe, दूसरे क्या व्यवहार देखते हैं, observe करते हैं और फिर वैसा ही करते हैं. As a result of this, individuals refrain from making mistakes and can perform behaviors better if they see individuals complete them successfully. और अगर उन्होंने दूसरे को बहुत अच्छे से करते हुए देखा है तो वो कम गलतियां करते हैं और बिल्कुल उसी तरह से उसको execute कर देते हैं. Humans have evolved an advanced capacity for observational learning that enables them to expand their knowledge and skills on the basis of information conveyed by modeling influences. Indeed, virtually all learning phenomena resulting from direct experience can occur vicariously by observing people's behavior and its consequences for them. वो कह रहे हैं कि हमारी लर्निंग ही इसी तरीके से हुई है कि हम लोगों ने दूसरे को देखा है करते हुए फिर वैसा ही करते हैं. और सारा लर्निंग फिनोमेना डायरेक्ट एक्सपीरियंस से वाइकेरियस लर्निंग के थ्रू हो सकता है. फिर अगर हम इवेलुएट करना चाहें बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी को, तो द थ्योरी ऑफ बंडूरा हैज बीन डेमोंस्ट्रेटेड टू मेक पावरफुल प्रेडिक्शंस एंड हैज जनरेटेड यूजफुल एप्लीकेशंस इन अ लार्ज नंबर ऑफ एरियाज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. यानी कि मनुष्य के व्यवहार के बहुत सारे आयामों को समझाने में बंडूरा की थ्योरी हेल्प करती है. बंडूराज थ्योरी इज वेल ग्राउंडेड इन रिसर्च. ये अनुसंधान के बाद इसका रिजल्ट निकला है, तो ये मतलब आप कह सकते हैं वैज्ञानिक थ्योरी है. फिर प्रोबेबली द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इज इट्स अप्लाइड वैल्यू. इसका एप्लीकेशन है, मतलब अनुप्रयोग है इस थ्योरी का, अनुप्रयोग आप उसका कर सकते हैं. हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ द अबव मेरिट्स, बंडूराज थ्योरी हैज सम लिमिटेशंस. पर इसकी कुछ कमियां भी हैं. जैसे बिहेवियर हैज बीन फाउंड टू बी मोर कंसिस्टेंट देन इज आर्ग्यूड बाय बंडूराज थ्योरी व्हिच फोकसेस अ ग्रेट डील ऑन द सिचुएशन. बंडूरा ने बहुत ज्यादा सिचुएशन पर ध्यान दिया, बट हमारा बिहेवियर उससे ज्यादा कहीं कंसिस्टेंट होता है. सम रिसर्चर्स हैव आर्ग्यूड दैट द थ्योरी लैक्स अटेंशन टू बायोलॉजिकल और हार्मोनल प्रोसेसेस. कुछ अनुसंधानकर्ता ये भी कहते हैं कि ये थ्योरी बायोलॉजिकल नहीं देखती है कि हम खुद कैसे हैं, मतलब हमारे जीन्स क्या है, जेनेटिक क्या है, हॉर्मोन्स क्या हमारे अंदर चल रहे हैं, वो भी तो हमारे बिहेवियर को गवर्न करेगा ना. और प्रोबेबली ऑफ मोस्ट
सिग्निफिकेंस इज द क्रिटिसिज्म दैट द थ्योरी इज नॉट यूनिफाइड. और सबसे इसकी जो ज्यादा आलोचना होती है वो इस बात पे होती है कि थ्योरी यूनिफाइड नहीं है. कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस सच एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड सेल्फ एफिकेसी हैव बीन हाईली रिसर्च्ड बट देयर हैज बीन लिटिल एक्सप्लेनेशन अबाउट द रिलेशनशिप अमंग द कॉन्सेप्ट्स. जैसे इस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गया या सेल्फ एफिकेसी हो गया, इन कॉन्सेप्ट्स पे बहुत रिसर्च की गई है लेकिन अभी भी इनके आपस के अंतर संबंध पे बहुत कम हमको मैटर पता चलता है. ठीक है, ये जल्दी जल्दी में बनी हुई पीपीटी है तो कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो गई, मतलब कहीं मैंने इसको डार्क कर दिया है, कहीं लाइट ही रह गया है, तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए. और सोशल लर्निंग थ्योरी पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं उसको समझिए. पहली बात कि ये बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म के बीच क्या गैप फुलफिल करती है, बिहेवियर की भी बात कर रही है, कॉग्निशन की भी बात कर रही है. फिर ये कह रही है कि सिर्फ रीइंफोर्समेंट से ही व्यक्ति नहीं सीखता बल्कि अपने आसपास के कॉन्टेक्स्ट में लोगों को वैसा करते हुए देखकर सीख जाता है. फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के इन्होंने चार चरण बताए हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन. चूंकि ये मोटिवेशन, अटेंशन इन सब की बात करते हैं इसलिए कॉग्निटिविस्ट थ्योरी है. और वाइकेरियस लर्निंग और रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, सबसे खास बात रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म यानी कि व्यक्ति को जो है व्यवहार और वातावरण दोनों ही चीजें गवर्न करती हैं, और बल्कि दोनों चीजें व्यक्ति को गवर्न करती हैं, व्यक्ति भी व्यवहार और एनवायरनमेंट को गवर्न करता है, यानी कि रेसिप्रोकल है. हम आप पर इन्फ्लुएंस करेंगे, आप हम पर इन्फ्लुएंस करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आई हैव कवर्ड दिस वेरी टॉपिक अगेन फॉर ऑल ऑफ यू. सो गो थ्रू इट एंड थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माय साइड.